बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आईडी क्लब एंड आई एम रानार सानवी। इंग्लिश 101 के लेसन नंबर 16 में हम बात करेंगे एवोल्यूटिंग टेक्स्ट की, और उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी पड़ेगी। टून क्या होती है, आर्गुमेंटेशन क्या होती है, और आयरनी क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, आपके पेपर के हवाले से बड़े ज़्यादा सवाल आएंगे, लिहाजा लास्ट तक देखिएगा। टोन सबसे पहले समझ लेते हैं। टोन होती है कि आप किस अंदाज में बात कर रहे हैं, टोन यानी अंदाज। तो आपकी बुक ने आपको 6 अंदाज बताए हैं, और यकीन जाने कि इन 6 में से पेपर में सवाल ज़रूर आता है, एमसीक्यूज़ की फॉर्म में या सवाल की फॉर्म में। पहला है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है ऐसा जुमला जिसका अंदाज बहुत पॉजिटिव हो, बहुत अच्छा हो। जैसे मिसाल के तौर पर इस चौथे जुमले को देखें, दिस प्लेस इज़ इन नीड ऑफ सम कॉस्टली रिनोवेशन एंड आई एक्सपेक्ट द लैंड लॉर्ड टू गेट अराउंड टू दैम एट डे नाउ। तो ये जुमला कितना ऑप्टमिस्टिक है, कितना पॉजिटिव है, यानी वहाँ पर बड़े ज़्यादा पैसे लगने हैं लेकिन वो फिर भी बड़े पॉजिटिव अंदाज से उसको हैंडल कर रहा है, ऑप्टमिस्टिक तरीके से। दूसरा तरीका है बिटर, यानी अगर आपका लहजा थोड़ा कड़वा हो। जैसे यहाँ पर इस केस में देखें, इफ़ ओनली आई हैड अ डिसेंट जॉब आई वुडेंट बी रिड्यूस टू लिविंग इन दिस रैमशैकल डंप, यानी वो अपने घर को रैम शैकल डम्प कह रहा है, कितना कड़वा जुमला बोल रहे हैं। तीसरा है टॉलरेंट। टॉलरेंट होता है काबिले बर्दाश्त, कोई ऐसा जुमला जो काबिले बर्दाश्त हो। जैसे हमारे हमसाए इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं, यानी काबिले बर्दाश्त है। सेंटीमेंटल। सेंटीमेंटल एक ऐसा जुमला होता है, एक ऐसा टून होती है जिसमें आपके इमोशन ज़ाहिर हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा घर खैर इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन मेरा यहाँ बचपन गुजरा है, मेरी यहाँ यादें हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ देखिए ह्यूमरस है। ह्यूमरस होता है जिसमें आप इंसानी काम, जहाँ जहाँ पर इंसानियत नज़र आए। जैसे यहाँ पर ये बता रहा है कि मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ तो अपने घर की रबिश बिन को साफ़ करता हूँ और बाकी घरों की रबिश बिन को भी साफ़ करता हूँ अगर मुझे कोई भरी हुई मिले। तो ये एक ऐसा लहजा है जो इंसानियत के बहुत करीब है। और सिंपथेटिक होता है ऐसा जुमला जिसमें आपकी सिंपथी नज़र आ रही हो। जैसे अगर आप सफ बस में जा रहे हैं और आप एक बूढ़ी खातून के लिए या एक माजूर मर्द के लिए आप अपनी सीट छोड़ देते हैं, ये सिंपथेटिक टून होती है। अच्छा, अब टून कई दफ़ा समझने में हम गलती कर जाते हैं। वो गलती जो है वो होती है आयरनी। असल में होती टून कुछ और है, हमें कुछ और समझ आती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, यार वाह बाहर तो बारिश हो रही है, ग्रेट, अब बाहर धूप निकली हुई है, लेकिन मैं इस लहजे में कह रहा हूँ ये आयरनी है। तो अब हम ज़रा कुछ आयरनी को देख लेते हैं। आयरनी यानी डिस्क्रिपेंसी, यानी आप कुछ और कहना चाहते हैं और कहते हैं कुछ और है। तो आयरनी कई तरह की होती है। पहली है सिचुएशनल आयरनी। ये उस वक्त होती है जब आप सिचुएशन में कुछ ऐसा बोल दें जो जिसका मतलब कुछ और हो। फॉर एग्जांपल अगर घर में आग लगी हुई है, एक सिचुएशन है, और आप ये कहे कि आप ये ना सोचे कि फायर फाइटर आकर आग पानी बुझाएगा, आप बल्कि कह दें कि एक पेट्रोल पंप पेट्रोल पाइप ले आओ, हम उसे ये आग बुझाते हैं। तो फिर ये क्या है, ये एक आयरनी है। असल में आप पानी ही मांग रहे हैं लेकिन आप उसको कह इस अंदाज में रहे हैं। वर्बल आयरनी क्या होती है? वर्बल आयरनी ऐसी आयरनी होती है, ऐसी डिस्क्रिपेंसी होती है जब आप कहते हैं कुछ और है और उसका मतलब कुछ और होता है। मिसाल के तौर पर ऑन ईगल क्रिकेट प्लेयर जो है वो बाहर खिड़की के बाहर देखते हैं जो थके हुए हैं, और वो कहते हैं यार वो देखो वाह ज़बरदस्त, बाहर तो बारिश हो रही है, लेकिन असल में बाहर बारिश नहीं हो रही, बाहर सख्त धूप निकली हुई है क्योंकि वो थक गए हैं, वो ऐसे ही कहना चाह रहे हैं। ऑल राइट, अब ज़रा हम कुछ यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई है। यहाँ तीन पैराग्राफ दिए हैं, 1, 2 और ये 3 पैराग्राफ्स हैं। आपने ये 3 पैराग्राफ पढ़ लेने हैं और इसमें जो आयरनी है वो ढूंढनी है कि आप यहाँ क्या टून यूज़ हो रही है और क्या आयरनी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाला मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। रिसर्च ऑन रैट्स हैज शोन डैट व्हेन एनिमल्स लिव इन क्राउडेड कंडीशंस दे लिव डिसऑर्डर्ड वायलेंट लाइव्स। ह्यूमन बींग्स आर नो एक्सेप्शन। क्राउडेड सिटीज आर मॉडल्स ऑफ lawlessness and the traffic clogged roads encourage drivers to be aggressive. As urban areas continue to grow in population density, these types of problems will also grow. That means more violence and more fighting over available resources. अब यहाँ पर जो ये बात कर रहा है ये है, वो कह रहे हैं now you will look at 3 short passages each of which illustrations a tune given in the box. अब आपने ये पढ़ लिया और आपको यहाँ पर जो बात नज़र आ रही है वो क्या है, वो है सिचुएशनल आयरनी। यानी वो एक सिचुएशन को शो कर रहा है और उसमें बात को लेकर आ रहा है कि चूहे ज़्यादा जहाँ होते हैं वहाँ पर वो एक दूसरे से लड़ते हैं, इसी तरह इंसान भी ऐसे ही करते हैं। तो ये एक सिचुएशनल आयरनी है। इसी तरह दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट आप पढ़ें और समझें
यकीनन एक दफ़ा में आपको समझ नहीं आएगी, दो तीन दफ़ा जब आप इसको रीड करेंगे फिर आपको पता चलेगा। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट होता है यानी आप जो बात बोल रहे हैं उसकी सपोर्ट में भी कुछ बताएं। यानी फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मैं आज छुट्टी पर हूँ, ठीक है, ये गलत है। आपको अपनी बात के साथ एर्गूमेंट देना पड़ेगा, मैं छुट्टी पर हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, ठीक है। अब एर्गूमेंट में लोग क्या करते हैं, एर्गूमेंट में लोग गलती कर देते हैं, वो गलती क्या होती है, वो होती है फ्लैसी। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि फ्लैसी कितनी टाइप्स की होती है और क्या क्या होती है। लेकिन उससे पहले यहाँ देखें कि यहाँ पर आपको कुछ जुमले दिए गए हैं जहाँ पर आपको एक मेन पॉइंट बताया गया है और फिर उसको सपोर्ट, उसके सपोर्ट बताई गई है। तो आपने देखना है कौन सा इसमें मेन पॉइंट है और कौन सी सपोर्ट है उसके पॉइंट के हवाले से। जैसे कि कैट्स रिफ्यूज टू लर्न सिली ट्रिक्स यूज टू अम्यूज पीपल, कैट सीम्स टू बी मोर इंटेलिजेंट देन डॉग्स, डॉग्स विल एक्सेप्ट मिस ट्रीटमेंट बट अ कैट इफ मिस ट्रीटेड इट रन्स अवे। तो पहली वाली जो है बात इसमें ये बताया हुआ है, ये पॉइंट है आपका कि बिल्लियाँ जो है वो इतनी जल्दी चीज़ें नहीं सीखती, और बाद में उसको सपोर्ट किया कि बिल्लियाँ जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है कुत्तों से, इसलिए वो जो इंसानों को अम्यूज़ नहीं करना सीखती क्योंकि वो अपने आप को मिस ट्रीट नहीं करना चाहती। तो देखिए आगे उसने उसको सपोर्ट किया हुआ है। अब हम ज़रा फलेसिस देख लेते हैं, जो एर्गूमेंट्स में लोग गलतियाँ करते हैं वो कितनी तरह की होती है। जो मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है बस आपने इन चीज़ों को ही देखना है। फलेसिस डैट इग्नोर द इश्यूज, कुछ ऐसी फलेसिस होती है, आप ऐसा आर्गूमेंट दे देते हैं जो इशू के ख़िलाफ़ होता है। आप कहते हैं मैं स्कूल नहीं आ रहा क्योंकि मैं स्कूल नहीं आ रहा। अब यहाँ आप कोई वजह ही नहीं बताते, या ऐसी वजह बताते हैं जो उसके एन मुताबिक ही नहीं। जैसे आज मैं स्कूल नहीं आ रहा क्योंकि शाम को हमारे घर शादी है, तो शाम को आपके घर शादी है, आप अभी स्कूल क्यों नहीं आ रहे। ये एक ऐसा आपने क्या किया, आपने फलेसी कर दी, डैट इग्नोर द इशू। तो ये तीन तरह की हो सकती है। पहली है चेंजिंग द सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट ही चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एग्जाम्पल दी है, द ऑनरेबल मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली इज अ कैपेबल लीडर, ही हैज़ अ बिजी फैमिली लाइफ एंड प्लेज डेली इन द एरिया मॉस्क। अब यहाँ देखिए वो बोल रहा है कि जो नेशनल असेंबली का ये वाला मेंबर है ये बड़ा अच्छा लीडर है। अब लीडर अच्छा है तो उसके आगे कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो उसने कोई काम किया हो। आगे वो कह रहा है क्योंकि वो मस्जिद में नमाज पढ़ता है, अपनी फैमिली में बहुत अच्छा है। तो देखिए सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया, मैचिंग ही नहीं हो रही बात की, ये है चेंजिंग द सब्जेक्ट। दूसरी होती है सर्कुलेटिंग रीजनिंग, यानी गोलमोल कर देना बात को। फॉर एग्जाम्पल आप कहें मिस्टर आबिद इज़ अ ग्रेट साइंस टीचर बिकॉज ही इज़ सो वंडरफुल एट टीचिंग। अब इसमें भाई बात आप बताएं कि वो अच्छा साइंस टीचर है क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, अच्छा साइंस टीचर है क्योंकि वो टाइम पर आता है। ये क्या अच्छा साइंस टीचर है और वो अच्छा टीचिंग करता है, ये तो हमें भी पता है क्योंकि आपने कह जो दिया कि वो अच्छा साइंस टीचर है। तो उसमें कोई रीज़न ही नहीं बताया उसने, कोई बात ही नहीं बताई, और हर एक के बाद उसने एक एक्सरसाइज दी हुई है जो आप अप टू यू अगर आप करना चाहें तो प्रैक्टिस के लिए। पर्सनल अटैक, कई दफ़ा क्या होता है कि आप पर्सनल अटैक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल डिबेट्स में ये होता है कि मुझे आपने एक बिल पेश किया, अब मैं उस बिल के ख़िलाफ़ बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उस बिल का पता ही नहीं होता, मैं आपके ख़िलाफ़ बात करनी शुरू कर दूंगा क्योंकि बिल बेशक अच्छा हो। ये इस तरह की फलैसेज होती है पर्सनल अटैक वाली। जैसे द ऑनरेबल मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली व्यूज ऑन द टैक्स बिल आर नॉट वर्थी ऑफ कंसिडरेशन, हिज फादर ऑल्सो हेल्ड सिमिलर व्यूज व्हेन ही वाज अ मेंबर ऑफ द असेंबली। यानी ये बोल रहे कि जो नेशनल असेंबली के मेंबर है उन्होंने जो टैक्स पर बात की है वो इतनी अहम नहीं है क्योंकि इनके वालिद भी ऐसे ही करते थे। अब ये कोई सेंस नहीं बन रहा इस बात में, ये सियासी बयान होते हैं, पर्सनल अटैक्स होते हैं, इनको भी हम फलैसेज कहते हैं। दूसरी तरह की फलैसेज होती है डेट ओवर जनरलाइज ओवर सिंप्लीफाई इशू, चार तरह की होती है ये, जो इस इशू को बहुत ज़्यादा ही सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहली होती है हैस्टी जनरलाइजेशन, ये होती है आप जल्दी से नतीजा ले लेते हैं, अब एक दो देर आपने सब्र नहीं किया, सोचा नहीं, समझा नहीं, बस आपने फ़ौरन से एक जनरलाइजेशन निकाल ली। और इस जैसे फॉर एग्जाम्पल दो ईरानी लड़के आपस में लड़ रहे थे, तो आपने कह दिया कि ईरानी लड़के तो ईरान की कौम अच्छी है ही नहीं, ईरान की कौम शरीर कौम है। जैसे एक टेररिस्ट है वो बुरा है और आप कह रहे कि सारे मुसलमान ही बुरे हैं, हालांकि ये एक हैस्टी जनरलाइजेशन है। दूसरा है फॉल्स कॉज, फॉल्स कॉज में तो यू हैव प्रॉबेबली हर्ड समवन सेइंग एज अ जॉक आई नो देर इज गोइंग टू बी अ डस्ट स्टॉर्म टुडे बिकॉज आई वॉश माई हेयर। अब फॉल्स कॉज में क्या होता है कि आमतौर पर आप लोग ये आमतौर पर बोलते हैं, फॉल्स कॉज करते हैं यानी गलत वजह बताते हैं, रीजन नहीं सही बताते। जैसे आज मैंने अपने सर के बाल धोए हैं, मुझे लगता है आज जो है वो ज़रूर तूफान आएगा मिट्टी का। अब ये कोई कॉस बनती नहीं है, ये एक फॉल्स कॉस है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे जो है वो है फॉल्स कंपैरिजन, यानी अगर आप कंपैरिजन जो है वो गलत देते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एरर है रीजनिंग में,
जिसमें आप गलत कंपैरिजन गलत बताते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हमारे गांव में तो घरों पे ताला नहीं लगता, तो ये शहर में आप घरों में ताला क्यों लगाते हैं, आप अपने घरों को खुला छोड़ा करें। आप कंपैरिजन गलत दे दिया, आपको पता होना चाहिए गाँव के हालात का शहर के हालात डिफरेंट होते हैं, लिहाजा वहां पर नेसेसिटीज भी डिफरेंट होती है। इसे चौथा है ईदर और फलैसी। अब ये भी एक फलैसी है, ये क्या, ये होता है कि हम बंदे को दो ऑप्शन देते हैं, हाँ या ना। अब कई ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पर हाँ ना के अलावा बड़े ज्यादा ऑप्शंस बन सकते हैं। आप ये बोले कि ये सड़क पक्की, ये सड़क दाईं तरफ जानी चाहिए या बाईं तरफ जानी चाहिए, इस तरफ जानी चाहिए उस तरफ जानी चाहिए, अब इसी में से आपने चॉइस दी, ये गलत है। अब कई जगहों पर दो सूरतें देना ठीक होती है, जैसे एग्जाम में बंदा फेल या पास हो जाता है, लेकिन कई ऐसी सूरतें होती है जैसे पॉलिटिकल सूरतों में दो रास्तों की बजाय 100 रास्ते होते हैं, और आपने उन सब पर आपने अपनी गहरी नजर रखनी होती है, इस तरह से बात करना भी गलत है। तो आज के हमने लेसन में ट्यून के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, हमने फैलेसीज को पढ़ा। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।